आज ना बॉडी ना काम नहीं कर रही है, बड़ा दर्द सा हो रहा है बॉडी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी चाय वगैरह पी ली है मैंने, ब्रेकफास्ट कर लिया है भाई, नमकीन वगैरह चाय, और अभी सब्जी काटने के लिए जा रही हूँ। कटहल बनेगा, प्याज वाला सागा बनेगा, तो भाई काट लेते हैं सब्जी। आप भी चाय ले आओ। ठीक है। सो अभी मैं काट रही हूँ कटहल, थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ क्योंकि ना कटहल ना चिपचिपाता बहुत है, और उसके लिए लहसुन प्याज काट लेती हूँ और फिर ये सागा काट लूँगी। ये सागा ना हमारी मतलब क्यारी में ही लगा, एकदम शुद्ध देसी है और सागा काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो सागा कट चुका है। सो गाइस, सब्जी वगैरह बन रही है, मम्मी बना रही है, मैं आटा गूंथ के रखी आई हूँ। अभी कल आई थी ना तो मैं ऐसी सो गई थी, तो कपड़े वगैरह पड़े थे तो थोड़े से हैं, तो वही मैं घर ही कर लेती हूँ, रूम वगैरह सेट कर देती हूँ फटाफट। अभी मैं साड़ी घर ही कर लेती हूँ। ये वाली साड़ी ना मेरी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, एकदम हल्की है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आई है, और इसका ना कलर सबसे अच्छी बात है, ये डार्क कलर है तो इसका कलर बिल्कुल नहीं छूटा है, क्योंकि जो डार्क पिंक बेबी कलर होते हैं ना, रानी कलर टाइप, वो कलर अगर आप वॉश करो तो छूटते हैं, बट इसका अभी मैंने 2 से 3 बार धुल चुकी हूँ, बट इसका कलर बिल्कुल नहीं निकला है। इस साड़ी की प्लेट्स पे ना थोड़े से धागे वगैरह निकले हुए थे, तो मैंने सोचा सीजर लेके एक एक धागा काट देती हूँ, क्योंकि धागे लटकते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद मैं इसको घरी करके रख दूंगी, क्योंकि मैं एक वॉश में साड़ी मतलब एक बार मैं जब पहनती हूँ तो एक बार मैं नहीं उसको धुलती हूँ, कई बार पहनती हूँ तब धुलती हूँ, ऐसे धुलनी भी नहीं चाहिए, साड़ी ख़राब हो जाती है। सो गाइज, सब्जी एक तरफ बन रही है कटहल की, और सागा आलू बन चुके हैं, एंड एक तरफ रोटियां बनाने जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं ना, तो पहले खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग, देन अपलोडिंग पे लगा दूंगी, उसके बाद बाकी के काम वगैरह करूँगी। दीदी रोटियां बेल रही हैं और मैं सेक रही हूँ, ये ऑफिस जा रहे हैं और एक तरफ सब्जी बन रही है, सब्जी लगभग बनी चुकी है, कटहल की सब्जी बन रही है। मैं और दीदी ना मिलके रोटियां बनाते हैं, दीदी फटाफट बेल देती है क्योंकि बहुत सारी बड़ी फैमिली है ना, तो रोटियां बहुत सारी हो जाती हैं, तो दो लोग जब करते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है। सो फाइनली सारी रोटियां बन चुकी हैं, रख देती हूँ। ये सब्जी भी बन चुकी, कटहल की सब्जी है, ये है सेमी आलू, थोड़ा सा आटा बच गया था, ये भी ढक के फ्रिज में रख देती हूँ। देना मुझे भी देना, लो सारे ले लो। चिक्कल सहित खा लूं ना, घुसी है अंदर करे पके, खट्टा लगता है मुंह में रखते ही। चाट खाई इसकी, हरे चना की मैं खाई, राजस्थान में बहुत होते हैं। ये है चना, चने का साग भी बनता है। वीडियो बन रही मदर चने की, मदर। सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, ये तवा जिस पे रोटी बनाई जाती है, ये और कढ़ाई, दो चीज़ें रह गई हैं। काफ़ी दिनों से ना मैं तवा जल्दी जल्दी में ऐसे धुल के रख देती हूँ, इतनी डांट पड़ती है मम्मी से, क्योंकि मम्मी को एकदम साफ़ सुथरे बर्तन पसंद हैं और कढ़ाई तो एकदम, तो वही मैं दोनों चीज़ों को साफ कर रही हूँ। एक तो आज मेरा मन नहीं कर रहा है कोई चीज़ करने का, और मैं भी थोड़ी सी जिद्दी हूँ कि जो चीज़ ठान लेती हूँ ना वो कम्प्लीट करके रहती हूँ, तो कढ़ाई तो हमारी एकदम चमक गई है। देखिए मम्मी को ऐसी कढ़ाई साफ़ पसंद है, वो कहती है कि जब हमारे ज़माने में पीतल के बर्तन चलते थे ना, हम तब भी चमका देते थे, तुम लोगों से तो ये नॉर्मल बर्तन भी साफ़ नहीं होते। तो सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, कढ़ाई भी एकदम साफ हो चुकी है, बस अब मैं जाके बाकी के काम करूँगी। और मैंने तवा भी एकदम साफ़ कर लिया, बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, फाइनली आज ये काम भी पूरा हो गया। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और दीदी खाना खाने के लिए, कटहल सागा आलू एंड रोटी। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है, अभी जा रही हूँ अन्य को सुलाने के लिए, दीदी दूध पिला रही है, दूध में तो बहुत नखड़े होते हैं हमेशा, इसको सुला दूं फिर फटाफट काम वगैरह कर लूं मैं। सो गाइस, अभी ना मैं अन्य को सुला के आ गई हूँ, आज ना बॉडी ना काम नहीं कर रही है, बड़ा दर्द सा हो रहा है बॉडी में, और कपड़े एक चक्कर धुल गए थे, अब लाइट ही नहीं आई है, लेकिन आज बड़े मेहनत के काम है, 8 दिन से कपड़े नहीं धुले मैंने, क्योंकि होली थी ना तो कुछ ना कुछ बन रहा था, तो मैंने सोचा एक साथ ही धुलूंगी और लाइट आ जाए तो फिर कपड़े धुलूं, देखो कब तक आएगी लाइट, कुछ भरोसा नहीं है ना लाइट का। और जब आज शरीर काम नहीं कर रहा ना, तो ऐसा लग रहा है आज कितना सारा काम है, आज मैंने ना कढ़ाई और तवा एकदम चमका दिए हैं,
मतलब क्या ही बताऊं, इतने गंदे हो गए थे कि मैं एकदम से ही चमका देती हूँ। डेली डेली मैं नहीं कर पाती मेहनत। ये देखो रितिका, उसकी चोट लग गई सिर में, बच्चे हैं ना, गिरते रहते। कहाँ लग गई बाबू आपकी चोट? हाँ चोट लग गई इसकी, इतनी बड़ी घुमड़िया पड़ गई सिर में। सो गाइस लाइट आ चुकी है एंड कपड़े मशीन में डाल दी धुलने के लिए, और मैंने ना फेस पे कुछ लगा रखा है, कुछ बहुत दिन से ना कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था फेस पे, तो मैंने सोचा नहाने से पहले कुछ लगा देती हूँ फेस पे, उसके बाद जाके नहा लूँगी। तो फटाफट काम कर लेती हूँ जब तक, काम वगैरह करूँगी जब तक मेरा फेस पैक भी सूख जाएगा और कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं, दो काम एक साथ। सो गाइस अभी कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, देखिए सिर्फ ये वाले, वो जो चेयर पर कपड़े रखे हैं वो, ये आप सोचते हो कि इसका स्टैंड कहाँ गया, ये ना मेरे से ना टूट गया है, इसको मुझे ना सही करवाना है, वो रखा है स्टैंड इसका। तो ये कपड़े धुल रहे हैं, ये ना सारे कलरफुल कपड़े हैं, इन कपड़ों को धुलने के जो चल रहे हैं ना चक्कर, वो धुलने के बाद मैं सोफे के कवर डाल दूँ, कल राधिका ने कोल्ड ड्रिंक फैला दी थी, उसके बाद ये देखिए ये सारे कपड़े मुझे पानी से निकालने हैं। तो तब तक ये कपड़े धुल रहे हैं, तब तक ये सारे कपड़े पानी से निकाल लेती हूँ फटाफट। सो गाइज मैं अभी ना के आ चुकी हूँ, कोई ना घर पे गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो फिर मैं थोड़ा सा उनके साथ बैठी रही, लेट हो गई, मम्मी के मायके से आए थे कुछ लोग, और अभी कपड़े वगैरह, लाइट चली गई है, बस एक दो चक्कर को और रह गए हैं, होली वाले कपड़े एंड जो पायदान वगैरह होते हैं, एंड देन सारे कपड़े धुल चुके। इतने सारे कपड़े थे, एक तो आज मुझसे काम नहीं किया जा रहा, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, ऊपर से इतना सारा काम, मतलब जो भी मेहनत वाले काम होते हैं, और अभी एक झोला भर के कपड़े भी, तो मैं सोच रही हूँ आज ये काम भी निपटा के चलो, कपड़े भी धुल गए और ये भी, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सो ये मैं नेल्स काट रही हूँ, नेल्स ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से हो गए थे, मेरे नेल्स थोड़े अलग ही बनावट है उनकी, तो मैं इसको फाइलर से थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, और बाबू के भी नेल्स बहुत बड़े थे, तो मैंने सोचा सब बच्चों के काट देती हूँ, क्योंकि बच्चों के नेल्स तो कभी भी बड़े रखने ही नहीं चाहिए, और ये कटवाती भी नहीं है बहुत, मतलब कभी कभी तो कटवा लेती है अगर मन में होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं कटवाती है। सो अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, आज केले की सब्जी बनेगी शाम को, तो मैं अभी केले छील लेती हूँ पहले पतले पतले, और उसके बाद थोड़े से थिक काट लूँगी, और केले की सब्जी मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है, रायता वगैरह के साथ खाओ। और उसके बाद धुल लूँगी, प्याज लहसुन पीस लेंगे, और उसके बाद इसमें मसाला हल्दी डाल देंगे, और जो भी मसाले होते हैं नमक मिर्च एंड धनिया पाउडर, दो से ढाई चम्मच, दो से तीन चम्मच धनिया पाउडर एंड काली मिर्च। उसके बाद तेल गरम कढ़ाई में हो जाएगा, उसके बाद इसमें मसाला डाल देंगे, और मसाले को अच्छे से भून लूँगी मैं, और तब तक इसका तेल छूटेगा तब तक इसको भूनेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसमें हमें केले ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ी देर केले को भी ऐसे सूखा फ्राई कर लूँगी मैं, और आप चाहो तो मतलब हम ये वाली सब्जी ना ऐसे भी खाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है, लेकिन थोड़ी सी पानी डाल के इसमें ग्रेवी सा बना लेते हैं। उसके बाद इसको ढक देना है और धीमी आंच पे पकने देंगे, और लोहे की कढ़ाई में, इसलिए इसका कलर ना थोड़ा सा डार्क हो जाएगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बन रही है ना, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही बनती हैं। तो सब्जी बन चुकी है, परस लेती हूँ, आटा भी गूंद लिया, आप सब लोग आए तो फटाफट हम लोग खाना पीना बना के खाएं। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ये केले की सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है, मैं और दीदी। सो खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज खाना पीना हो चुका है एंड फ्री हो गई हूँ मैं, बस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। सो गाइज मैं ना थोड़ी देर लेट हुई थी आज, ना मेरा काम में ना मन ही नहीं लग रहा, मन कर रहा है थोड़ी देर लेट ही रहूँ, पता नहीं क्यों, होली से ना बहुत वो हो गया है, तो आज मेरी तो मेरी कसम।